वो आदमी कौन था? कौन आदमी? बनमत, मैंने देखा उसे। वो तो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था। तेरे कॉलेज? हाँ, वो एक्चुअली सुदान का है। एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आते हैं ना स्टूडेंट्स बाहर से, उसके लिए आया था कॉलेज। एक्सचेंज? हाँ भाभी, वो एक स्टूडेंट यहाँ से बाहर पढ़ने जाता है, वहाँ से उनका एक स्टूडेंट यहाँ आता है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं उसे। अच्छा, तूने कुछ खाया? भाभी बहुत भूख लग रही है मुझे। मैंने सुना है यहाँ पे फिश बहुत बढ़िया मिलती है, अभी बाहर जाके वो खाऊंगा। ठीक है, जा खा। आपके लिए ले आऊं? क्या मेरे लिए? नहीं नहीं, आज बुधवार है ना, तेरे भैया का बुध भारी है। तो ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, फिर खावा भी लूंगा, मेरा एक ऑडिशन है, वो खत्म करके आता हूँ। अरे तेरे भाई की ये हालत है, तुझे ऑडिशन की पड़ी हुई है? भैया ही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए काम नहीं रुकना चाहिए, उनकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ ये सब। आप फिक्र मत करो, ठीक है, मिलता हूँ आप। अच्छा सुन, तू जो वो फिश के बारे में कह रहा था ना, मेरे लिए पार्सल करवा लेना। 12 बजे तो गुरुवार हो ही जाएगा ना, तब खा लूंगी। मेरे लिए पार्सल करवा लेना। ठीक है भाभी, मैं ले आऊंगा, आप फिक्र मत। चलो अपना क्या लगता है? टू वाइंस। वहां मेरी बीवी अपने कुमकुम के लिए व्रत रख कर मेरा भाग्य सुधारने की कोशिश कर रही थी, और मैं यार रागिनी के साथ हमें मैं इस बनाने की सोच रहा था। By the way, 2 दिन पहले एक वेडिंग परफॉर्मेंस का ऑफर आया था। That's good, अच्छा है। Back in the game. पर एक प्रॉब्लम है। इस द दाल में आस। थरुन की शादी है। वो सब जानबूझ कर रहे हैं। वो बस तुम्हें वाह बोला कर बेइज्जत करेगा। That's about it. पर पैसे अच्छे हैं। खास नहीं, कुछ काम। कुछ काम है, कुछ तैयारियां करनी है। तैयारियां? किस चीज की? बेड की मरम्मत करवानी है, बहुत शोर करता है। केसर केसर केसर, सुनो मैं कहीं बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम फोन रखो ना। जाओ, नहीं रखती। क्या कर लोगे? नहीं रखोगी तो मुझे भी तुम्हारी कमजोरियां पता है। तो तुम्हारे कान के पीछे जो दिल है ना, शुरुआत वहीं से करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे कमर का बोल साझा हाथ लगाने से भी तुम्हें तकलीफ होती है, दिल में ला जाती हो तुम। मासी आ गई है। मासी इतनी जल्दी आ गई? मैं बाद में बात करती हूँ। अरे के कमाल है, हम परफॉर्मिंग। अरे यार शिट, ये अगर कोई बेवफा पति मेरी ये कहानी देख रहे हैं ना, तो उनके लिए एक एडवाइस है, ये दो नाव में सवार होने वाले लोगों को ना कश्ती मिल पाती है ना किनारा। अब यहाँ ना डेफिनेटली ताइयां की पार्टी में डांस करेगी, और जब तक उसके पाँव चलेंगे मेरी सांसें रुकी रहेगी। तो क्या सोचा आपने आना के बारे में? अरे आना के लायक कोई फिल्म नहीं है मेरे पास, समझ डार्लिंग बात को। देख मलिक, प्यार दे प्यार ले, पाल मत, ये मुंबई है मुंबई। अरे क्या मुंबई मुंबई लगा रखे हो, गांधी जी सब करा सकते हैं, पैसा बोला ना कितना लगेगा। मलिक मेरे भाई, बात पैसे की नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, स्टोरी स्टूडियो फाइनेंसर हीरो को कन्विंस करना पड़ता है। तू आना के साथ थोड़ा टाइम दे, बाकी मेरे पे छोड़, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? ये उड़ेगा कैसे यार ये? अरे अब इसे कौन समझाएगा कि मेरी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई थी, ना बीवी का ना बेब का। आना को फंसाया तो मैंने ही था, लेकिन अब उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। आना से प्यार करने लगा था, लेकिन उस प्यार में एक डर छुपा था, डर इस बात का कि कहीं आना के फिक्स के बारे में तालमिया उसे बता ना दे, फिर तो आज से प्यार भी जाता और साला रेपुटेशन भी, दोनों सूरतों में लगने तो मेरे ही थे, समझा? चल तो निकल। हाँ मासी, पता नहीं चल रहा, लेकिन डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा शहर है ये, सारा टाइम अच्छी की बात आती रहती है। नहीं नहीं,
पकी हुई मच्छी की नहीं, वो जो फिश मार्केट में आती है ना। एक्सक्यूज मी, एनी अपडेट? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं। दिल्ली में 11 पंडित पिछले 14 घंटों से लगातार महामृत्युंजय का पाठ कर रहे हैं। और आपको पता है, मैंने भी मन्नत मांगी है, जब तक मलिक ठीक नहीं हो जाते मैं नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। भाभी ये लो, आपने फिश मंगवाई थी ना। मैं निकलता हूँ। हाय यशपाल, पहचाना? दिल्ली में मैं पहचान। हमारा डिनर का प्लान था बट आपका स्टार्टर से ही मन भर गया था, याद आ गया होगा। क्या मतलब है? वैसे पार्टी में खाना लगा नहीं है, भूख लगी हो तो स्टार्टर। देखो ऐसा है, यहाँ ना तुमसे हो पाएगा ना मुझसे हो पाएगा, कहीं और जाके चलो। चलो चलो फाइन, चलो चलो दिल्ली मिलना। दिल्ली में ये जो अग्रवाल साहब की बेटी है, क्या नाम है इसका, निधि, ये निधि को पता है कि जो चादर उड़ के सोने वाली है उसमें तो पहले से बहुत बड़ा छेद है। अलग ही नवाब निकला, पहले लड़कों के साथ पकड़ा गया, फिर एक लड़की से प्यार किया, किसी और ही लड़की से शादी करने आए। हर घाट का पानी पीने से बाईसेक्सुअल देखा था, ट्राईसेक्सुअल पहली बार देख रहा हूं। सब कुछ ट्राई करना है ऐसे। अंदर नहीं बुलाओगे? By the way, I've paid for the rooms. पैसे आपने परफॉर्मेंस के लिए, आपको पर्सनली एंटरटेन करने के लिए। तुम्हारे डांस की तारीफ करने ही आया हूँ मैं। Of course. You are good. But बीच में तुम तरुण को देख के थोड़ा ठंडी सी पड़ गई। Why didn't that happen? आपको तो बहुत मजा आया होगा ना? जी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में नाचते देख के। डोंट कॉल हिम योर बॉयफ्रेंड, यू डोंट नो हाउ टू कीप अ वुमन हैप्पी, यू नो। तो बहुत बताया उसके साथ। यू आर ड्रंक, यू मस्ट लीव। 20 लाख एक घंटा चाहिए तुम्हारे साथ। मेरा बॉयफ्रेंड है शादीशुदा फिक्सर जयवीर मलिक, जिसने तुम्हें रैकेट में फंसाया था। बॉयफ्रेंड तो है तुम्हारा। पैसे मैंने दिए थे उस काम के लिए, और काम किया तो उसी ने था सारा का सारा। Listen, girl.
दुनिया आके आगे अपने दुखड़े रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जो चाहिए ना वो खुद लेना पड़ता है। उसको जो मुझसे चाहिए था वो लेके चला गया। मुझे जो तुमसे चाहिए वो मैं यहाँ पे लेने आया हूँ। और तुम्हें जो मुझसे चाहिए वो तुम्हारे सामने पड़ा है। इट्स योर चॉइस, टेक इट। चल रिलैक्स। यू गॉट योरसेल्फ अ डील, गर्ल। आहना, क्या भद्दा मजाक है ये? क्या हुआ? वीडियो देखा आपने? अकेले मत देखना, बीवी को जरूर दिखाना और बेटे को तो प्लीज जरूर दिखाना। He'll be proud of his father. वैसे वायरल मैं करूँ या आप करोगे? बात सुन, पैसे चाहिए थे तुझे मिल गए। तुझे क्या लगता है मैंने ये सब पैसों के लिए किया? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा करियर, मेरे सपने, मेरा घर, सब कुछ तेरी वजह से खराब हुआ। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती। अरे तेरी माँ, हेलो मालिक, I'm so sorry। हाना तुम रो क्यों रही हो? मालिक वो दाल में क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। उसके कुछ करने से पहले मैंने उसे थप्पड़ मार के रूम से बाहर निकाल दिया। पर मेरे पास वीडियो है। I should have listened to you। मैं उस दालना को छोड़ूंगा ना। I won't leave him। Send me the video। भेजती हूँ। जयंती सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कल रात का आना के होटल रूम की लॉबी का सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके सर, मैं फुटेज लेके पहुंचती। इतनी देर अंदर क्या कर रहा है? सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया? नो। तुम ठीक तो हो ना? No, I'm fine, I'm good. मिल गई तसल्ली आपको? खुश हो बाप? इसलिए मुझे और आना को अलग करवाया था ना? तरुण, what happened? Nothing happened, nothing happened. I will tell you more. आपके पति अपने से 30 साल छोटी लड़की आना, जो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ सोकर आए हैं। इसे आपके लिए नॉर्मल सी बात होगी ना? अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। एक तो एयरपोर्ट ले ली मैं, ऊपर से मुंह फुला के बैठी हो। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? इतनी खुशी हो रही है कि खुद खुशी करने का मन कर रहा है। लेकिन सर,
इस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। चक्कर फ्रेश तो करा। बाद मिलते हैं। जी मिस दानवे। Need your help। मिस दानवे मैं जानता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। मलिक इस अहाना का कुछ करें। मेरी फैमिली की सालों की मेहनत और इज्जत को शिल रूइन इट। वक्त बहुत कम है एंड आई रियली नीड टू मीट यू। आना तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाओगी कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जस्ट कॉल मी ऑलराइट। शिट कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैं आई हूँ। कहाँ मैं क्या जा रहा हूँ मैं? शादी पे जाना है ना, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ मेरी कोई बोलने वाली बात है इसलिए तो तुम मुंबई आई हो ना। तुम नहीं जाओगी तो मैं कैसे जाऊँगा? लेकिन अब चलो धन लगे आता हूँ। मॉल का कर दिया मुझे। मैं यहाँ पर इतना भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पिता के साथ रंग रलिया मनाई और पूरे शहर में डिंडोरा पीट लिया कि मैं भी जा रही हूँ और इस गुड़ गोबर ने मेरी बीवी केसर को दान में आके आज शादी अटेंड कर ली थी। अब दावत में ये देखने में मजा आएगा कि किसको बदहजमी होती है और किसको पावसी। I know that ये करना आसान नहीं होगा but मलिक सिर्फ तुम ये काम कर सकते हो। वैसे भी तरुण जो कह रहा है I think हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शन है। अब शुरू होता है फिक्सर मलिक का खेल। पहला पैंतरा तरुण के मंगेतर निधि और उसके परिवार को निपटाना। हाँ केसर कहाँ हो? अरे मैं अग्रवाल जी के यहाँ बाद में फोन करता हूँ ठीक है? लेकिन तुम तो डालने के यहाँ गए थे ना। सर तुम समझ बाद में करता हूँ। दूसरा पैतरा तरुण आहाना को शादी के लिए कन्विंस करेगा। मेरे डैड ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसे तो मैं बदल नहीं सकता। आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है आई वांट टू मेक इट अप टू यू। विल यू मैरी मी? हाना तालमिया खानदान की बहू होने के बाद डिवोर्स में भी तुम्हें 200 करोड़ से ज्यादा मिल सकता है। और क्लाइमैक्स में मीडिया को ये पारिवारिक लव स्टोरी भेजना। आपको कैसा लग रहा है? प्लानिंग में एक्चुअली मैं और हाना शादी कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज इनवाइटेड फॉर दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। तो पता ही नहीं कि इसी आना की शादी है। देखो ना फालतू में तुम पे शक करती रही। मेरा तो पीने का बहुत मन कर रहा है आज। आप कुछ लोगे? और तुम? मेरा तो सुबह से ही शुरू है। आपको कंपनी देगी मैं। चेस। मैं अभी आती हूँ। हाँ सर आप तक तो बायोपिक बनना चाहिए। जिस लड़की के साथ चक्कर था उसी का फिक्स किया। वो लड़की वापस अपने आशिक के पास चली गई और उसका बाप के साथ चक्कर हुआ। उसी लड़की की शादी में आप अपनी औरत के साथ खड़े हो। वाह सुपर हिट फिल्म है सर। तो ब्लॉकबस्टर नहीं बना। पिता को कन्यादान के लिए बुलाइए। पिताजी तो नहीं है पंडित जी। पर कन्यादान किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अरे डालमिया साहब आप भी पिता के समान हैं, आप ही कर दीजिए।
पढ़ने को। I'm very confused. Confusion मंजे? तरुण के प्यार के लिए कोई confusion नहीं है, पर वो मलिक को उसकी बीवी के साथ देख के ना मेरे अंदर से कुछ हो रहा है। I can't handle it. ये तू कुछ उल्टा पुल्टा मत करा। तू तीन जिंदगियां बर्बाद करेगी, एक तेरी तरुण की, दूसरे अपने मलिक साहब और उसकी औरत की, और तीसरे वो बुड्ढे दालमिया की। वो अंदर में जो तेरे आवाज है ना उसको म्यूट बटन पे डाल, इसको भी डाल दे। हेलो, याद है ना नी बॉम्बे का कांड, तब चलते मैं। अरे आज तो पता नहीं, कुछ दिनों से कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है वो नवी मुंबई का जो कांड हुआ था उसके बारे में सब जानता है, किसने किया, किसने करवाया। अच्छा, सब कुछ। और क्या मांग रहा है वो? कुछ पैसे वैसे मांग रहा है? कुछ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? 25 लाख। अच्छा तू वो फोन इधर दे, पुलिस वाली है, मैं तेरी मदद करेगी रे। दे। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। एक नया प्रॉब्लम है, वो आना को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसको नवी मुंबई कांड के बारे में सब इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारा भांडा फूट नहीं जाए सर। जल्दी एक काम कर, अपने उस हैकर दोस्त को कॉल कर। आश रोडकर मैडम। अच्छा सुन, ये नंबर नोट कर। 9820215738। अभी इस पे 5 मिनट पहले एक फोन आया है, उसको ट्रैक कर, लोकेशन बता। आपका मिल गया मैडम, और उसका भी लोकेशन मिल गया। वो आपसे 90 मीटर की दूरी पर खड़ा है, फोन सेम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो सिम कार्ड है ना मैडम वो अलग है। आप उस तक फटाफट पहुंच जाओ मैडम। सर इधर ही, इधर ही, किधर है वो? गोपाल को इस वक्त एक्सपोज करके पकड़ना बहुत आसान था। इन एक अच्छे फिक्सर की यही पहचान होती है कि वो अपने प्यादे का इस्तेमाल सही वक्त पर करे। गरम तवे पे एक और रोटी सेक लो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तवा आग से नीचे उतर जाए तो मामला ठंडा भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ उस शाम को भी हुआ था। उस आंच पे चढ़े तवे की तरह शादी का पंडाल लगा हुआ था और दालमिया परिवार ने एक और रोटी सेक ली अपनी इज्जत की। लेकिन ये रोटी काफी लोगों की जिंदगी में बदहजमी लाने वाली थी।